एक पहले ये ले लेता हूँ, किसी ने एक सवाल किया, अगर वज़ू करने के बाद ना चाहते हुए कानों में म्यूज़िक सुनाई दे तो क्या वज़ू टूट जाता है? देखिए नवाखी से वज़ू, वज़ू किन चीज़ों से टूटता है इंशाल्लाह मैं अगले इतवार लेने वाला हूँ, लेकिन मुख्तसर बता देता हूँ, वज़ू जिन चीज़ों से टूटता है शरीयत ने बता दिया, बाकी किसी चीज़ से वज़ू नहीं टूटता। आपने अपनी शर्मगाह देख ली, वज़ू नहीं टूटता, किसी और की शर्मगाह, बच्चे आ जाते कभी वज़ू करने के बाद दिख जाते, वज़ू नहीं टूटता, म्यूज़िक सुनने से वज़ू नहीं टूटता, टीवी दिख जाए तो वज़ू नहीं टूटता, गाने सुने आ जाए तो वज़ू नहीं टूटता। वज़ू टूटने के मुख्तलिफ मखसूस शरायत है, वो हो तो ही वज़ू टूटता है और बाकी हालत में वज़ू रहता है। तो लिहाजा कानों में म्यूज़िक आने से वज़ू नहीं टूटता, इसलिए कि वज़ू का म्यूज़िक से कोई ताल्लुक नहीं, वो एक ज़ाती चीज़ है कि वो आ रहा है लोग सुना दे रहे हैं, लेकिन वज़ू से इसका कोई ताल्लुक नहीं, वज़ू नहीं टूटता। टीवी दिख गई जाता है तो लोग बोलते वज़ू टूट गया, एक बच्चा आ गया नंगा तो वो लोग बोलते अरे यार शर्मगा दिख, वज़ू टूट गया, खुद की शर्मगा कपड़े बदलते वक्त दिख गई वज़ू के बाद तो लोग बोलते वज़ू टूट गया। तो वज़ू टूटने की शरायत बहुत कम है, इंशाल्लाह मैं अगले हफ्ते रखूँ। लेकिन आपने जो सवाल किया म्यूज़िक सुनने से या कभी टीवी दिख जाए या कोई बच्चा चला जाए जो शर्मगा खुद की दिख जाए, तो इन तमाम चीज़ें वज़ू नाकिस नहीं होता, उसके नाकिस होने के मुख्तलिफ शरायत हैं और जो शरीयत ने बता दिए उन्हीं चीज़ों से टूटता, बाकी तमाम में वो वज़ू बाकी रहता है। जी